Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Engvid. Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, we were going through the lesson number five, The Piece of String by Gidu Mupasa.

कि बटुआ उठाने के बाद तुम काफ़ी देर खड़े कीचड़ में देखते रहे ये तसल्ली करने के लिए कि बटुए से रकम तो नहीं गिर गई द गुड सोल गुड सोल अथारो जेंटलमैन शरीफ आदमी कह लें अच्छा आदमी कह लें विद इंडिग्नेशन इन फियर चोक कहते हैं मैन यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कि जब आपके लिए सांस लेना भी दो भर हो जाता है इंडिग्नेशन कहते हैं एंगर को और फियर कहते हैं खौफ को कि हुबे का खौफ और ग़ुस्से से दम घुटने लगा मतलब उससे बात नहीं हो पा रही थी उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी सफाई कैसे पेश करे हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैं रेपूटेशन लाइज कहते हैं झूठ को और रेपूटेशन कहते हैं गुड फेम को नेकनामी को शोहरत को हुबे कहने लगा कि कोई इस तरह से झूठ बोलकर किसी शरीफ आदमी की शोहरत को कैसे दागदार कर सकता है हाउ कैन एनी वन कि कोई इतनी घटिया या रजील हरकत कैसे कर सकता है देर वज़ नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबे इज़ प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट कहते हैं ऐतजाज करना कि उसके ऐतजाज का अब कोई फ़ायदा नहीं था फॉर नो बॉडी बिलीवड हिम क्योंकि कोई भी उसका यकीन करने के लिए तैयारी नहीं था मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बार बार और से सराध अपनी बात पे कायम रहना या अड़े रहना दट ह्यूबे हेडपेक्ट एप द पॉकेट बुक कि उसने बार बार एक ही बात की कि चोर यही है कि ह्यूबे ने ही बटुआ उठाया है फरेनार बोधमंद एब्यूज ईच अदर के एक घंटे तक दोनों एक दूसरे को गालियाँ बकते रहे अब्यूज़ कहते हैं टू कॉल नेम्स गालियाँ देना then at his own request mr hube was searched ke par hube ki darkhast pe uski talashi li gayi nothing was found in him magar uske paas se kuch bhi baramad na hua finally finally at last the mayor discharged hube with warning Discharge कहते हैं बरी कर देना यहाँ पे मतलब let him go कि उसने उसे इस तंबी के साथ जाने दिया या छोड़ दिया दैट ही वुड कंसर्ड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसर्ड टॉक टू मशवरा करना बातचीत करना पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को एंड आज़ फर फर्दर ऑर्डर्स उसने कहा कि वह सरकारी वकील से बात करेगा और मज़ीद अहकाम तलब करेगा तब तक वो जा सकता है अगरचे अभी वो मुकमल तौर पर इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हुआ ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइट एजी लिफ्ट द मेयर्स ऑफिस कि जो ही वो मेयर के दफ्तर से निकला पीपल क्वेश्चन हिम विथ सीरियस क्यूरेसिटी, क्यूरेसिटी कहते हैं ईगरनेस को तजसस को कि लोग उसके गेट जमा हो गए और उससे कुरीद कुरीद कर सवाल पूछने लगे नो बॉडी बिलीव्ड हि स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग किसी ने भी रस्सी की कहानी का यकीन न किया इनस्टेट पीपल लॉफ डिट हिम लॉफेड कहते हैं टू मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे मिस्टर ह्यूबे वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स गिविंग एम हिज स्टेटमेंट स्टेटमेंट बयान कह लें मतलब हिज साइड ऑफ द स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कहते हैं वैसे पेश करना तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अमली सबूत पेश करते हैं हिज पॉकेट इन साइड आउट इनसाइड आउट उल्टा करके दिखाना टू प्रूव दैट ही एट नथिंग, कि मिस्टर ह्यूबे जो है दोस्तों को रोक रोक कर अपनी कहानी सुनाता रहा और जेब उल्टी करके अपनी बेगुनाही के अमली सबूत पेश करता रहा कि वो एक एक को रोक के कह रहा था कि ये इल्ज़ाम झूठा था देख ले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऑल दिस एडवाज मगर जवाब लोगों ने सिर्फ यही कहा ओल्ड रास्कल रास्कल कहते हैं रोग को बदमाश को कि बूढ़े बदमाश गेट आउट ऑफ़ हेयर गेट आउट बी ऑफ के शक्ल गुम करो या यहाँ से चलते बनो तो मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये जिक्र किया था कि लोगों ने उसका यकीन क्यों नहीं किया था क्योंकि उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी मगर इस कहानी में क्योंकि ये ब्रिज वर्जन है कि पूरी कहानी नहीं है बल्कि उसमें से कुछ बातों को हजफ कर दिया गया तो इससे तो यही लगता है कि वो बेचारा जो है मुफ्त में मारा गया था उसका कोई कसूर नहीं था लोग उसका यकीन नहीं कर रहे थे उसने चोरी भी नहीं की थी मिस्टर ह्यूबे वेंट टू द विलेज फिर वो गांव पहुंच गया टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर एडवेंचर कहते हैं वैसे एक्साइटिंग या थ्रिलिंग इवेंट को सनसनी खेज जो तजर्बा है तो यहाँ पर खैर सनसनी खेज तो नहीं था ये तो एक ट्रेजेडी थी वेट ही ओनली मेट विद इन क्रेडुअलिटी इन क्रेडुअलिटी कहते हैं टू शो डिस बिलीव बेयीनी का इजहार करना कि वो गांव चला गया हर आदमी को अपनी कहानी सुनाता रहा मगर कोई भी उसका यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था इट ऑल मेड ए मेल कि उसे ये बात नहायत ही बुरी लगी या नागवार गुजरी कि ही टुक इट टू इज हार्ट कि उसने इस बात का गहरा असर लिया या उसे शदीद सदमा या रंज पहुँचा द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून अ मैन नेम जॉर्ज रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कॉन्टेंट्स कॉन्टेंट्स कहते हैं द थिंग इन एट अपने ऐलान में ये सुना था कि उसमें पाँच सौ शेलिंग और कुछ कारोबारी कागजात मौजूद थे तो उन्हीं को कॉन्टेंट्स कहा जा रहा है टू मिस्टर जेम्स द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक ओनर कहते हैं प्रोपराइटर को मालिक को कि अगले दिन जॉर्ज नामी शख्स ने बटुआ अपनी तमाम तर चीज़ों समेत बटुए के मालिक मिस्टर जेम्स को वापस कर दिया जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट क्लेम कहते हैं टू सेव विद सर्टेनिटी के बड़े यकीन या तयकुन से बात करना या दावा करना उसने ये दावा किया कि बटुआ उसे गांव की मंडी वाली सड़क पर मिला था बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड रीड मतलब कि वो पढ़ना नहीं जानता था ई वॉज इलिटरेट कि वो अनपढ़ था ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कहते हैं बॉस को मालिक को कि अनपढ़ होने की वजह से उसने ये बटुआ अपने मालिक को दे दिया था मतलब इसलिए बटुआ जो है वो फ़ौरी तौर पे वापस नहीं हो सका था नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड नेबरहुड कहते हैं नियर बाय एरियाज़ कहले खबर जो है वो कुर्बो जवार में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई ये मुहावरतान इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जंगल में दरख्त दरख्त होते हैं इसलिए आग तेज़ी से भड़क उठती है तो यहाँ पर भी ये ख़बर जो है पूरे इलाके में आम हो गई मस्टर ह्यूबे वॉज़ उल्सो इन्फॉर्म्ड ह्यूबे को भी बताया गया ही वॉज़ इन ट्रायम्फ ट्रायम्फ़ ही वॉज़ फीलिंग विक्टोरियस कि वो ख़ुद को फ़तेहमंद महसूस कर रहा था मतलब खुश था कि आखिर एक कार जीत उसी की हुई थी कि अब ये बात सबको पता चल गई थी कि वह चोर नहीं था वट ग्रीव मी एज मच वज़ नॉट द थिंग इट सेल्फ the द लाइंग ग्रीव दट मेक्स यू सॉरोफुल कि जिस पे आपको रंज पहुंचता है या दुख पहुंचता है उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे रंज पहुंचा था कि लोग मुझे झूठा कह रहे थे देर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर उसने कहा कि झूठा कहलवाए जाने से ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं कि मतलब ये इनतहा शर्मनाक बात है कि लोग आपको झूठा कहें या आपका यकीन करने के लिए तैयार ना हो वट एवर रीजन्व कि उसने लोगों के सामने जो भी वजूहत पेश की पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम लोग उसका यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हुए Those are lying excuses they said behind his back behind his बैक इन his absence कि वो पीठ पीछे कहा करते थे कि बूढ़ा झूठ बोल रहा कि ये सब बहाने हैं ह्यूबे फेल दिस शेम एंड डिस्क्रेस टू इज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर शेम कहते हैं शर्म को और डिस्क्रेस कहते हैं इंसर्ट को बे को सेल्फ एस्टीम कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को इज्जत नफ्स को और कैरेक्टर कहते हैं किरदार को कि ह्यूबे ने इसे अपनी इ्ज़त नफ्स और किरदार के लिए शर्म और रसवाई समझा ही कंजूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस कंजूम कहते हैं वैसे खर्च करना कि उसने ये बात दिल से लगा ली ही टुकट टू हार्ट एंड वेस्टेड अवे वेस्ट अवे वैसे ज़ाय हो जाना यहाँ पे यही घुल घुल के मर जाना बिफोर द वेरी आइज ऑफ़ द पीपल कि उसने ये बात दिल से लगा ली और बेचारा इसी गम में घुलता गया पीपल स्टॉटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्टिंग टू एम यूज दैमसेल्व एम यूज कहते हैं टू एंटरटेन महजूस करना एंड टोल्ड एट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर हुते हैं वार को लड़ाई को अन टोल्ड अबाउट हिस्स बैटल्स ये उसने तशबी इस्तेमाल की है सिमिली क्योंकि फौजियों के बारे में ये बात मशहूर है कि वो भी मोबाइल मुबालगा से काम लेते हैं और अपनी बहादुरी के सच्चे झूठे किस्से जो हैं वो सुनाते रहते हैं तो अब हम इसकी बा मुहावरा उदू ट्रांसलेशन करता हैं कि लोगों ने एक दूसरे को महसूस करने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी उस सिपाही के अंदाज़ में जो मैदान जंग से वापस आया हो और अपनी बहादरी के सच्चे झूठे किस्से सुना रहा या फिर इडियामेटिक उर्दू में हम ये कह लें कि लोगों ने नमक मिर्च लगा कर ये कहानी जो है वो सुनाना शुरू कर दी कि अपनी तरफ से डिटेल जो है वो ऐड कर ली एग्जैजेट करना शुरू कर दिया चार चांद लगा के जैसे अब बैन करता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करता हैज़ माइंड टच टू द डेप्थ कि बेहद सदमा पहुँचा बिगेन टू वीकेंड डे बाई डे और वह बेचारा कमज़ोर पड़ता गया ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइट टू वर्ड द एंड ऑफ द मंथ ही टुक टू हिस्स बेड कि महीने के आखिर पर वो बस्तर सजा लगा साहिब फराश हो गया इनतहा अलील या बीमार पड़ गया ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ कि वह अगले महीने के पहले हफ़्ते में इंतकाल कर गया या उसका इंतकाल हो गया वो मर गया कि वो लोगों की की delirium, delirium के रवैये की भीड़ चढ़ गया इन द डिलीरियम डिलीरीम कहते हैं फ्रंजीद स्टेट को आलम हजियान कहा जाता है कि मौत से पहले की जो कैफियत है उसे डिलीरियम कहा जाता है कि जब आप अपने हवास में नहीं होते डेथ स्ट्रगल्स के आलम हजियान में ही कैप क्लेमिंग हिज इनोसेंस वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा री इटिरेटिंग री इटीरेट टू रिपीट बार बार यही कहते हुए पीस ऑफ स्ट्रेंग अ पीस ऑफ स्ट्रेंग रसी रस्सी बाम अ वर्ड ऑफ ऑनर आई डिट लाई कि मैं हल्फन कहता हूँ मैंने झूठ नहीं बोला एंड ही डाइड और यही कहते कहते वो दम तोड़ गया या मर गया इट इज सेट इट इज सेट मतलब ये रिवायत है इट इज़ नॉट एट इट दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रात कैरीड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स कैरी अवे टू स्वीप अवे बहा के ले जाना बिलोंगिंग्स कहते हैं पोजिशन को साजो सामान को को रिवायत है कि शदीद सैलाब आया और लोगों को उनकी अमलाक समेत बहा के ले गया द ग्रेव ऑफ़ ह्यूबे विद्स ट हविक ऑफ द फ्लैड विद स्टैंड कहते हैं रिजिस्ट करना और हैविक कहते हैं डिस्ट्रैक्शन को कि ह्यूबे की कब्र सैलाब की तबाहकारी के बावजूद महफूज रही इट वॉज़ इन ग्राफ्ट इन ग्राफ्ट कहते हैं इन सक्राइब करना कंधा करना नक्श करना ऑन ए स्टूम स्टोन टूम कहते हैं मकबरे को या कबर को ग्रेव को और टूम स्टोन क्या होता है जो कबर का कतबा है कि जिस पर मरने वाले का नाम वगैरह लिखा होता यर्यर्स आफ्टर हिज डेथ कि उसकी मौत के कई साल बाद उसके कबर के कतबे पे ये अल्फाज या, या ये इबारत तहरीर की गई या कंधा की गई हेयर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग ब ट्रूथ कि यहाँ पे वो शख्स पैबंद ख़ाक है या महवे इस्तराहत है अब्दी रहा जो हमेशा सच बोलता था हेयर लाइज द मैन हु वुड एंड्रूव हिज इनोसेंस कि यहाँ पर वो शख्स अब भी नींदोरा जो अपनी बेगुनाही तोित ना कर पाया बट द फ्लैट प्रूव डेट मगर सैलाब ने उसकी बेगुनाही को साबित कर दिया इसके साथ ही कहानी जो है वो अपने अख्ताम तो को पहुँचती है इनशाला जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम छठा लेसन द रिवॉर्ड बाई लॉर्ड डनसनी पढ़ेंगे टिल दिन अल्लाह हाफ़ Stay safe, stay blessed, stay happy, and keep on watching my videos. Allah Hafiz.